गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए वाह हवा सुबह हमारे यहाँ कैंची धाम में। आज की पहली सुबह बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बाबा नीम करोली मंदिर के पास, ये आप देख रहे हैं पीछे मेरे, बाबा नीम करोली का मंदिर है। क्या बात है, बहुत ही ठंड है, उतनी भी ज़्यादा नहीं है, मगर बढ़िया मौसम है, आसमान साफ है, अभी धूप आएगी बढ़िया। और ये पीछे हमारा ये यहाँ पर कैंची धाम का आश्रम, ओहो क्या बात है, क्या सुंदर व्यू दिख रहा है। ये देखिए ऊपर से ये पहाड़ियाँ आश्रम में, और ये पहाड़ियों से बना हुआ ये एरिया, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। और पीछे यहाँ भी पहाड़ों में लोग रहते हैं। ये हमारा होम स्टे था, पूजा बाई उठी है, अभी नींद में ही है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या कर रहे हैं, काम शुरू? ये देखिए लैपटॉप खुल गया, काम शुरू है। तो ये हमारा रूम था इधर, तो बहुत बढ़िया रूम था, मज़ा आया रात को नींद की। और हमने यहाँ पर किचन भी अपना सेटअप कर दिया है, तो आज हम ब्रेकफास्ट इधर बनाएंगे, तो फिर चले जाइए यहाँ से। और ये देखिए यहाँ बाथरूम, और यहाँ ये है व्यू सड़क का, ये देखो ये सड़क का व्यू है। और ये हमारी यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, वो ब्लैक वाली। तो देखिए यहाँ भी हमारा एक छोटा सेटअप तैयार हो गया, अभी हम ब्रेड और चाय पियेंगे, मक्खन भी आ है रेडी है। ये देखिए इसमें हम मक्खन डालेंगे। गैस जल चुका है? हाँ, ये देखो ये मक्खन हो गया, भर के डालेंगे मक्खन हमें, क्या है इस तरह से, ये देखो हमारा तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, हमें परांठे वरांठे बनाने थे अभी ब्रेकफास्ट में, मगर ये है कि हमारा कुछ जगह ही नहीं मिली, उसकी वजह से हमारा ये आज का प्रोग्राम जो है थोड़ा सा ढीला हो गया, ढीला। तो शाम को हम कैंपिंग करेंगे, तो वहाँ पर हम अच्छा सा कुछ बना लेंगे। ये देखो ये इन जंगलों में, इन वादियों में, ये क्या बात है। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नैनीताल की तरफ, और वहाँ पर हम नैनीताल का आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ की क्या क्या सीनरी है। चलिए चलते हैं। ये नैनीताल है, बहुत ही हाइट पर है भाई नैनीताल, यार बहुत हाइट पर है, डर लगता है। ये देखो पूरा यहाँ से व्यू आप देख रहे हैं, आसमान से बात कर रहा है ये पहाड़। ये देखो नैनीताल का व्यू, ओहो क्या बात है। और यहाँ तो गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है, बहुत रश है इधर। तो देखिए यहाँ पार्किंग का भी पता नहीं है भी या नहीं, देखते हैं पार्किंग की गाड़ी लगा देंगे। सर यहाँ पर ये लेक है, ओहो ये देखो भाई साहब पार्किंग किधर है, पार्किंग आगे है, आगे है, चल ये देखो भाई, ये लेक है, ये नैनीताल लेक बोलते हैं इसको, वाह वाह वाह। ये देखिए सर ये वहाँ, ये क्या मैच हो रहा है, लेक है ये, नैनीताल लेक है, और लेक के साथ यहाँ आप देख रहे हो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है। ये देखो बहुत बड़ा यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम, और क्रिकेट मैच मतलब यहाँ पर इनको लगेगी नहीं क्या नीचे, मतलब ग्रास नहीं होता है, ग्रास नहीं है ऐसे ही, और वो झील है। तो अभी आपको झील का व्यू दिखाते हैं पूरा, देखो ये देखिए, तो आपको पूरा झील का व्यू दिखाएंगे लेक का। तो चलिए ये झील है भाई, ये दिखाओ सर झील, ये देखिए ये है झील, आप देख सकते हैं वो कितना दूर दूर तक फैला, यहाँ ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, बढ़िया सुंदर लग रहा है यार, सही बोल रहे हो। हाँ और पानी भी बड़ा साफ है यार, बर्फ का पानी है ना ये, हाँ और क्या, ये बर्फीला पानी है, और बस सही है बहुत, और चारों तरफ से ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ से ये हिल रहा है,
देखो आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखो भाई, और बहुत ठंड हवा आ रही है क्योंकि ये जो है ना यहाँ बर्फ भी पड़ती है, तो बर्फीला पानी यहाँ पर बहुत रहता है। और आपको कैसा लग रहा है? एक सही है। हाँ, बोटिंग करते हैं? चलो नहीं, नहाते हैं ठंडे पानी से। और क्या है ना, नहाना अच्छा रहेगा। हाँ सही है। चलिए फिर, हाँ बताइए कैसे लग रहा है झील के पास? लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो यार कितना बढ़िया झील है, बर्फ का पानी है इसमें, ये बहुत ही देखो ये देखो भाई झील, क्या बात है। आप जाओ ना, माल रोड जो है ना नैनीताल का, ये लेक था अभी माल रोड है, अब हम माल रोड को सर्वे इसको हम करेंगे, अब हम माल रोड को एक्सप्लोर करें। बड़ा रश रहता है यहाँ खासकर सैटरडे, और चलने की जगह नहीं है, सैटरडे और संडे को बहुत रश रहता है यहाँ पर। ये देखिए लेक भी है साथ में, और लेफ्ट साइड में दुकानें हैं, आपको शॉपिंग करनी है, कपड़े हैं, खाने की चीज़ें हैं, ये आप यहाँ से ले सकते हैं, खा सकते हैं। हरी पूजा, क्या लेना है? शॉल पसंद आया, ये मफलर पसंद आया, इसको मफलर लगाना है। तो और भी दुकानें हैं, बड़ी अच्छी है दुकानें, मन ललचा रहा है इन दुकानों को देखकर कि हर चीज़ें ले ली जाए यहाँ से। तो चलिए जो जो हम पसंद आए तो हम लेंगे। वाह, मौसम ठंडा है, कान ठंडे हो गए मेरे, ये देखो भाई ये सच्ची बोलता हूँ, कान ठंडे हो गए। कैसा लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। ले ले, एक ले लो, पता नहीं कितने की है ये, कितने की टोपी? 150। चलो कुछ खाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ आगे कुछ छोटा मोटा कुछ खाते हैं, छोटा मोटा। हाँ ज्यादा नहीं, बाद में वो लाइन की बाद में करेंगे यहीं पर। हाँ तो आगे कुछ छोटा मोटा कुछ खिलाओगे आज हमें? हैं छन्नी राजा में खिलाओगे? हाँ कुछ छोटा मोटा खिलाओ, खाओ। यहाँ चलते हैं अपने दिल्ली वाला प्योर वेज में। और क्या खाएंगे? ये अभी हम यहाँ मॉल रोड में देख रहे, तो एक कैंडल बाजार हमको मिला है, कुछ अलग ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैंडल्स है यहाँ पर। एप्पल के कैंडल है क्या सही में? दिखाना है पास, दिखाना ऊपर, कहाँ है इसको लगाएंगे कहाँ आप? अच्छा बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी एक फ्रूट है। अच्छा अनार। अभी हम मॉल रोड चल ही रहे हैं, कितना दिखाया है मॉल रोड, ये तो बहुत बड़ा मॉल रोड है, यहाँ से चलते चलते तो हालत खराब हो जाएगी। और यहाँ पर झील का नजारा, आ जाइए फिर। मार्केट हो गया यार, बहुत मार्केट बड़ा है। अभी यहाँ से हम निकलते हैं, तो रास्ते में कहीं लंच करेंगे, और फिर हमें आज की कैंपिंग जो है जिम कार्बेट के आसपास कहीं पर है, तो वहाँ पर हम जाएंगे, रात को हम यहीं पर रुकेंगे। अरे मुझे तो भूख लगी है बहुत, मैं तो खाता नहीं हूँ, आज खा लूंगा, अभी टेस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कैसा है, ठीक है? तो मैं ये टेस्ट करें दो पहले। ये देखिए डोसा है, ये इसने हमें डुबो दिया। अरे साउथ का फील आ रहा है, बहुत बढ़िया, और वो भी नैनीताल झील के पास। ओह हो, चलिए खाते हैं अभी। देखिए ये सरिता ताल लेक है, ओहो हो क्या सुंदर है, छोटा लेक, और यहाँ पर रस्सी से इस लेक के ऊपर से जा रहे हैं दूसरे साइड,
ये देखिए वो बच्ची जा रही है, आप देख सकते हैं। ओ देखो यहाँ पर कुछ ये है, ये लेक है इसको बोलते हैं। ये नैनीताल से नीचे जब आते हैं तो ये लेक एक और मिलेगा, ये भी पहाड़ों में है। बहुत बढ़िया सीन है यहाँ पर, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जो कैंपिंग आज है नाइट कैंपिंग, वो हमारे जिम कॉर्बेट के एक साइड में है। तो रास्ते में हमें ये डैम मिला है, ये इसको बोलते हैं कोसी डैम। तो बहुत बढ़िया, देखिए आप नज़ारा इधर दिखाइए। हाँ 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 हाँ, क्या बात है यार। वो पानी उस साइड होगा जमा, उस साइड पानी जमा होगा ना, यहाँ से पानी कम आ रहा है। ये इन पानी को रोकता है और उसको कम पानी यहाँ आता है, और वहाँ पर वो डैम बना हुआ है। ये देखो भाई, यहाँ ये है पानी जो है, ये पानी यहाँ जमा होता है और अलग अलग चैनलों में ये इरिगेशन के लिए काम आता है, ये इरिगेशन के लिए काम आता है ये पानी, ये डैम बना है इसलिए। ये देखिए हमारी गाड़ी को अभी क्रॉसिंग करनी है, यहाँ पर हम साइड पर जा रहे हैं, जो हमारी साइट है ये कैंपिंग की। यहाँ पर देखो पानी है, थोड़ा सा रफ रोड है तो इसको हम पार करेगा। चलिए चलिए, हाँ ये पको रफ रोड को हमने पार कर लिया, तो आगे हम थोड़ा सा रह गया 15 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं कैंपिंग साइट कौन सी है हमारी। यार 20 किलोमीटर जो है ये 40 किलोमीटर के बराबर हो गया, बहुत ही खतरनाक है यार। सिंगल रोड है, रफ रोड है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है हमें। आज की जो हमारे को कैंपिंग साइट मिली है, थोड़ा यार जंगल ही जंगल, और अभी भी पहुँच नहीं रहे हैं। 20 किलोमीटर टोटल है मेन सिटी से, 20 किलोमीटर है और अभी भी हमें 1 घंटा हो गया 20 किलोमीटर चलते चलते, क्योंकि रोड जो है बीच में बहुत ख़राब था, रफ रोड था, और साथ में यहाँ पर सिंगल है, सिंगल गाड़ी का रोड है, इसको अगर गाड़ी आ रही तो उसको साइड देना पड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल है ये। पता नहीं अभी भी 8 किलोमीटर दिखा रहा है। चलिए आपको, आपके लिए चलिए, फिर भी एक एडवेंचर होगा, यही तो एडवेंचर है। आप देख रहे हैं कि हम जंगल, गोर जंगल में निकल रहे हैं, और यहाँ पर हर जगह बोर्ड लिखा हुआ है कि शेर क्रॉसिंग, एलिफेंट क्रॉसिंग है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, आज शेरों से हम रूबरू हो जाएंगे। चलते हैं कैंपिंग साइट पर और फिर दिखाते हैं आपको वहाँ। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कैंपिंग का स्लॉट था, ये देखिए यहाँ से नीचे डाउन में जाना था 1.5 किलोमीटर, फिर ये ऊपर चढ़ाई भी चढ़ना था वापस, तो हमने ये कैंसिल कर दिया। नहीं, मेरे बस की नहीं है गाड़ी नीचे उतारना, फिर वहाँ से इस चढ़ाई को चढ़ाना, मैं कैंपिंग कैंसिल कर रहा हूँ। मैं आगे जाकर किसी और जगह पर देखूँगा, तो यहाँ पर मुश्किल है मेरा। तो चलिए चलते हैं वापस और देखते हैं कहीं और जगह पर, यहाँ पर हम नहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बढ़िया। आपको पता ही है हम कल सीधा नीम करौली बाबा महाराज के से सीधा वापस आए, कल सुबह निकले थे वहाँ से, और फिर हम नैनीताल गए। नैनीताल में हमने उसको एक्सप्लोर किया, वहाँ पर हमने बढ़िया मज़ा आया वहाँ पर। और फिर हमारा जो प्रोग्राम था कैंपिंग का कल रात को, जिम कॉर्बेट के आगे 20 किलोमीटर एक जगह है, तो फिर हम वहाँ की तरफ चल पड़े। देर हुआ, रात को 6 बजे वहाँ हम पहुँचे उस साइट पर, उससे थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर पहुँचे, तो हमने देखा कि हमें वहाँ जाना है जहाँ बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि वो जो रास्ता ही नहीं था, रास्ता बनाया हुआ था, कच्चा रास्ता था, वो भी नीचे डाउन में।
तो हमने रिस्क लेना शुरू अच्छा नहीं समझा। वो 1000 कम से कम 1000 मीटर नीचे की तरफ जाना था हमें, ज़्यादा था, डेढ़ भी हो सकता था, डेढ़ हज़ार मीटर नीचे जाना था, और फिर वहाँ से चढ़ना भी था अगले दिन जब हम वापस आते। तो वो रेतीला था, तो मैंने सोचा नहीं भाई ये रिस्क नहीं लेंगे हम, यहाँ से चलते हैं वापस मोड़ दो। राहुल ने माना नहीं था, तो मगर मैंने कहा नहीं। तो हम वापस आए और फिर जिम कार्बर से आगे एक जगह है लखनपुर, तो वहाँ पर हमने होम स्टे किया, तो आनंद आया यहाँ भी हमें। तो मेरा यही मत है कि रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मन लग रहा है कि ठीक है यहाँ जा सकते हैं तो जाओ। यहाँ पे खतरा लग रहा है, हाँ यहाँ पर आपको खतरा लग रहा है, गाड़ी नहीं जा सकती है, आने में मुश्किल पड़ेगा, चढ़ाई है, तो हम वहाँ रिस्क नहीं लेंगे। वापस आए तो हम पहुँच गए, हमने होम स्टे लिया, हमने होम स्टे किया और यहाँ पर हम रात को आराम किया। हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट परांठे ताज़ा ताज़ा, वो आपको दिखा देंगे हम, ताज़ा ताज़ा परांठे जो पूजा ने बनाई। और एक और काम हमने किया कि हम यहाँ से अपना लंच का सामान भी बना कर ले जाएंगे, तो वो हम रास्ते में कहीं पर खाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, नमस्कार। देखिए पूजा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए क्या बन रहा है, वाह, सुबह सुबह मेथी के परांठे बन रही है, पूजा बना रही है, मेथी काम है आज। हाँ आज बहुत काम दे दिया इनको, मेथी के परांठे बन रहे हैं बढ़िया से, एक घी है देसी का, घी लगाएंगे ये देखो, ओ हो हो, और वो भी साइड देख लिया कहाँ पर, वाह क्या बात है। तो चलिए परांठे तैयार हो जाएंगे, आपको खिलाएंगे। ठीक है परांठे बन गया, ओहो हो 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 हो, करारे करारे, मैंने इनको बताया छोटे छोटे बनाओ वही मज़ेदार होते हैं, बड़े बनाने का फ़ायदा नहीं। तो ये बन रहे हैं, तो इनका टेस्ट करके हम चाय और ये मेथी के परांठे दही खाएंगे, और फिर यहाँ से हो सका तो हम यहाँ लंच की भी बना देंगे, और वो लंच साथ पैक करके हम यहाँ से फिर चलेंगे, रास्ते में कहीं पर हम खाएंगे। तो अभी उसके लिए हम सोच रहे हैं।